नमस्कार। अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन हुआ है, लेकिन यह नामांकन बहुत अद्भुत नामांकन है। यह मामूली नामांकन नहीं है। 11 राज्यों के मुख्यमंत्री इस नामांकन में शामिल हुए हैं और एनडीए पार्टनर के एनडीए के जो अलायंस पार्टियां हैं उनके ज्यादातर प्रमुख नेता शामिल हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कल भी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी छाए हुए थे मीडिया में, जो रोड शो उनका चल रहा था। कुछ दिन एक दिन पहले की खबर थी पटना की, आपने देखी होगी कि किस प्रकार से नीतीश कुमार उनके साथ थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब बताई जा रही है नीतीश कुमार की। प्रधानमंत्री जो कुछ भी शो कर रहे हैं उससे यह संदेश जा रहा है कि बहुत ग्रैंडियर इवेंट वो करते हैं, ग्रैंड इवेंट वो करते हैं, और उससे वो मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, उसमें उनको कामयाबी मिल रही है। आज मीडिया जो अपनी भूमिका निभा रही है उनकी भूमिका कितनी सही है कितनी गलत है इस पर बात करेंगे। और प्रधानमंत्री ने जो अपने एनडीए के सभी पार्टनर को अपने नामांकन में बुलाया है वो क्यों बुलाया है, इसके पीछे का राज क्या है, ये जो इतना बड़ा प्रदर्शन है इसके पीछे का राज क्या है, आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए 2-3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर माया बलेचा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर भी हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रही हैं, बहुत स्वागत है डॉक्टर माया आपका। और कर्नल विजयनाथ झा जो कमेंटेटर हैं वो भी जुड़ रहे हैं। कर्नल साहब आपका भी स्वागत है। अभी थोड़ी देर में आप जेएनयू के प्रोफेसर मनिंद्र ठाकुर और अजीत झा ये भी जुड़ने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कर्नल झा से। कर्नल साहब, ये मोदी जी ऐसा क्यों करते हैं? मोदी जी जो भी करते हैं वो भव्य करते हैं, दिव्य करते हैं। ये उनका ऐसा मानना है कि जो भी कीजिए भव्य कीजिए। उनके प्रशासन में कार्य शैली देखिए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया देश में वो भव्य बनाया, जो भी आयोजन किया उन्होंने G20 का अथवा भव्य तरीके से किया है। तो ये जो उन्होंने नामांकन भरा है वो भव्य तरीके से भरा है और ये दर्शाता है उनका आत्मविश्वास। और वो ऐसे जैसे फौज में कहते हैं जनरल इन कमांड, साफ संकेत और दिखाई देता है कि वो ऐसे एक नेता है जो अपनी पूरी क्षमता के साथ सभी उनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो सेनाएं हैं। तो इससे साफ झलकता है कि वो अपने कमांड में युद्ध पे जा रहे हैं। नहीं, एक नेता के रूप में और अपनी पार्टी के नेता के रूप में, अपने घटक दलों के नेता के रूप में उनका यह जो व्यवहार है बिल्कुल क्षम्य है और बिल्कुल उचित भी है। मैं उस पर कोई आपत्ति नहीं कर रहा हूं। और वो इलेक्शन के मिडल में हैं, उनको इलेक्शन कैंपेन करना है, मतदाताओं को अपने तरफ आकर्षित करना है, तो ये उनका प्रेरोगेटिव है, उसमें मैं कोई आपत्ति नहीं उठा रहा हूं। लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे कि मीडिया जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी को कवर करती है और उनको इतना फुटेज देती है, वो भाव अन्य पार्टियों के लिए मीडिया के मन में क्यों नहीं आता है, खासतौर से जो मिनिस्ट्री मीडिया है उसकी मैं बात कर रहा हूं। कर्नल साहब, देखिए मीडिया वही दिखाएगी जो लोग देखना चाहते हैं। आप बताइए पूरे देश में इससे बड़ा घटनाक्रम कहां पर है? देश का प्रधानमंत्री, देश का बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के नेता, बहुत सारे मुख्यमंत्री एक ही मंच पर है, एक ही जगह है, एक ही समय पे। तो वो मीडिया नहीं दिखाएगा तो क्या दिखाएगा मीडिया, आप ही बताइए। निश्चित तौर से हम भी यही चर्चा कर रहे हैं, लोग भी यही देखना चाहते हैं कि हाँ भाई, ये एक ऐसा नेता है कि जो देश को नेतृत्व जो प्रदान कर रहे हैं वो एक्चुअल नेतृत्व है। ये इंडी गठबंधन जैसा नहीं, जी मालूम ही नहीं कि नेता कौन है अभी तक, और ना कि उनके दल जो गठबंधन के दल है कोई बता पा रहा है कि नेता कौन है। यहाँ तो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है पारदर्शिता के तौर पे
कि देश का नेता। गन्ने की कड़ी बुनियाद जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।